गाइस, एक 40 साल की उम्र के आदमी चिपला से डर रहे। अरे तो खाने के लिए जो है हमको केले का पत्ते की जरूरत पड़ेगी। वो बंदा जो बोल रहा मैं करता हूँ, आने के बाद मैं सिर्फ इसने स्टूल पकड़ने का काम किया। इतने साल में ये 7 क्रॉस करेगा बोला, और यहाँ हमारे जितने भी नारियल के झाड़ में जितने नारियल लगे हुए ना, तो एक खड़े खड़े तोड़ेगा। Assalamualaikum, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज हो रहा है घर पे रमजान की साफ सफाई। तो रमजान स्टार्ट होने वाला है एक आध दो दिन के अंदर पे, तो घर की साफ सफाई कर रहे हैं। हमारे निकम में बच्चे जो है वो आज हमारी मदद कर रहे हैं। देख रहे आप किस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोफा सेट का जो है साफ सफाई हो चुका है, क्लीन कर चुके हैं, विंडो सारे क्लीन कर चुके हैं, जितने भी कर्टन थे सारे धोने के लिए डाल दिए। अब यहाँ पे बचा है टॉफी का एरिया, वो करेंगे हम। उसके बाद में यहाँ पे ये टीवी का सेशन करेंगे, उसके बाद में बेडरूम हमारे बाकी है। सबसे इम्पोर्टेंट काम बाकी है हमारा किचन। किचन के बाद में हम जाएंगे नीचे ग्राउंड लेवल पे, वहाँ भी जाके साफ सफाई करना बाकी है। तो कंटिन्यू करते गाइस। एक 40 साल की उम्र के आदमी चिपला से डर रहे। अरे तो ये लो लिया। अरे वो पकड़ इसको। ओके गाइस, मैं भी थोड़ा सा डर गया। तो मेरे मुंह के सामने आके अरे खींचो तो बाहर आएगा। अरे क्या करता है, क्या किया? बिल्ली को भेजो, बिल्ली को भेजो ना, बड़ी काम की चीज है। तो इसको हम लोग निकाल रहे, बड़े टाइम से अंदर पड़ा हुआ था। आज उसको राइस कुकर नहीं, कुछ और है, कॉफी मशीन है। तो गाइस, ये पत्ते जो हम लोग काट रहे हैं, ये जो है ये केले का पत्ता हम लोग इसलिए काट रहे हैं क्योंकि घर पे आज एक ट्रेडिशनल स्टाइल में जो है डिश बनाया गया। एक वेजिटेबल होता है, बसाले बोलते हैं उसको यहाँ पर, उसका ग्रेवी बनाया गया। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो है रेड चिल्ली का जो है मसाला बनाया गया है, उसका फिश का, जो बहुत बड़े साइज का फिश होता है, उस साइज का जो आज हम लोग ने मॉर्निंग में मार्केट से लेके आए थे, तो वो हम लोग ट्रेडिशनल स्टाइल में खाएंगे। तो खाने के लिए जो है हमको केले का पत्ते की जरूरत पड़ेगी। एक और चाहिए क्या?
तो गाइस ये है उखड़ा चावल और ये हो गया जो मैंने वेजिटेबल आपको बताया था, इसको कहते हैं बसेले का सालन। और इसके साथ में भी हम लोग खाएंगे रेड चिल्ली का जो है मसाला, ये है फिश मसाला, बिग साइज फिश। क्या लग रहा है गाइस, ट्राई करते हैं। इस खाना खाकर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज्यादा टेस्टी, लाजवाब था। देख सकते हैं आप पत्ते पूरे के पूरे खाली हो चुके हैं। मच्छी का टेस्ट इतना प्यारा था, वो मच्छी का नाम मुझे पता नहीं लेकिन बहुत बढ़िया मच्छी था, बड़े बड़े साइज का। तो क्या था? कोंदल, कोंदल, कोंदल बोलते हैं उस मच्छी को, कोंदल यहाँ के लैंग्वेज में, बाकी इंग्लिश लैंग्वेज में क्या मुझे पता नहीं। इतना बड़ा मच्छी था, एक हाथ से बड़ा, और खाने में बहुत मजा आया। स्पेशली टेस्ट इस वजह से आया था क्योंकि वो चूल्हे में बनाया गया था और बाद में हम लोग ने पत्ते में खाया तो उसका मजा और भी ज्यादा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप पेट देख सकते हैं, ये देखिए डबल हो गया, डबल भाई डबल हो गया एकदम आगे अल्हम्दुलिल्लाह। जितना भी जो कंपाउंड है उसको क्लीन कर रहे हैं, जितने जो अननेसेसरी जो झाड़ है पेड़ है वो सारे काट रहे हैं, और ऊपर का जो है टेरेस करने वाले, और बहुत सारी जो मकड़ियाँ यहाँ पे आती है वो सारे जो क्लीन कर रहे हैं। तो एनीवे आगे का कंटिन्यू करते हैं। ये पेड़ अब देख रहे हैं एक्स्ट्रा हो चुका है, अब इसको काटना पड़ेगा, एक लेवल पे बनाना पड़ेगा उसको, ठीक है। लेकिन बहुत मेहनत करते हैं गाइस, कैंची जो देख रहे हैं इसको चलाना आसान नहीं है, पैसा काटना पड़ता है। तो शेप देना पड़ेगा पहले, इसमें ताकत की बहुत जरूरत है, बहुत ताकत लगता है गाइस, बिल्कुल भी शेप नहीं है गाइस, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है गाइस। ये बंदा बहुत मेहनत कर रहा है, एक लाइक और शेयर दे दो गाइस। अरे भाई हाथ दुख गया हमारे, सच में आई विल डू इट ना, मैं करता हूँ। ये बंदा जो बोल रहा मैं करता हूँ, आने के बाद में सिर्फ इसने स्टूल पकड़ने का काम किया, उसके बाद कुछ नहीं किया उसने, सिर्फ स्टूल पकड़ा। गाइस हमारी बाइक, ये एरिया आप देख रहे हैं पूरा ऊपर क्लीन हो चुका है, जो बंदी आई है साफ सफाई करने के लिए वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। और ये हमारे यहाँ पे मैंगो ट्री है, तो यहाँ पे जो कचरा था पूरा साफ कर दिया। ये एरिया जो ये जो है ये जेरी, तो चेरी का पेड़ है, ये लगाए थे बड़ा हो चुका है अभी, यहाँ पे ये जाम का ट्री है, और ये एरिया एकदम साफ हो चुका है, देख रहे आप नीचे क्लीन हो चुका है। यहाँ बहुत कचरा था नारियल के पेड़ के नीचे, अब अच्छा हो गया, फसला हो गया। इनको तो आप जानते हैं, इनका नाम अनस है, ठीक है। ये इधर पे कामचोर खड़ा है, उस कामचोरी वाले एक बंदे को बुला कर ये बंदा लेके जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही बंदे ने कुछ काम किया नहीं, अब उसको जो सपोर्ट करने के लिए एक और बंदा आ गया, वो बोला चलो भाई खेलने के लिए जाएंगे, तो रेडी हो गए दोनों खेलने के लिए। इसकी हाइट देख रहे हैं माशाल्लाह 6 फुट हो चुके भी, अभी अगले आते साल में ये 7 क्रॉस करेगा बोला। और यहाँ हमारे जितने भी नारियल के झाड़ में जितने नारियल लगे हुए ना, तो एक खड़े खड़े तोड़ेगा। ओके चलो गो पैस। तो गाइस इतने सारे जो हम लोगों ने लाए थे तो हमने इसको तोड़ दिया बड़ी मेहनत से। बहुत है, हाथ से तोड़ सकते हैं, शुरुआत करते हैं। एक बात है गाइस, गांव में आने के बाद में दबा के नारियल पानी पी लिया, जितना जिंदगी में कभी नारियल पानी पीने उतना यहाँ पर आने के बाद पीने का मौका मिला।
अब पतला मलाई खाएंगे, ये है मलाई आप देख रहे हैं, और वो भी गाउटी स्टाइल में एकदम, जो स्पून जो बनाया गया वो गाँव के स्टाइल में बनाया। अब इसको हम अंदर डालेंगे सब, देख रहे हैं इस तरीके से मलाई आता है इसमें, वाह, और खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो गाइस बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, तो रात को जो है डिनर में हमने मैगी खाया, और नेक्स्ट डे जो है सहरी के लिए जल्दी उठना था। तो आज का व्लॉग जो है हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखना, सुरक्षित रहना, दुआ में ज़रूर याद रखना। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।